गुड़ का गाछ तो आरएसएस ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज करें। यह जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी जो हमला कर रही है, वो हमले आरएसएस ही करवा रही है, और इसको हम लोग अलग अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हालांकि इस बात का जयराम जी ने भी स्वागत किया, हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया कि राम मंदिर के पुजारी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, तो इसका हम लोगों ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है। और हमने कहा कि जो लोग आना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, द्वेष नहीं है। जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के संविधान में उनको भरोसा है, इस देश की विविधता और एकता, जिसको कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और जो यूनिटी की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमको डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए, यूनिटी की डाइवर्सिटी को भी हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां अलग अलग तरह के चॉइसेस हैं, अलग अलग तरह का लाइफ स्टाइल है, और ये जो हमारी विविधता है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और आप किसी भी एग्जाम्पल को उठा करके देख लीजिए, आप हमारे देश की हॉकी टीम को देख लीजिए, अभी हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है, हॉकी का मैच चल रहा है, आप हमारी क्रिकेट टीम को उठा करके देख लीजिए, आप हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को उठा करके देख लीजिए, आप हमारी देश की सेना को उठा के देख लीजिए, आप हमारे देश के बिजनेस जो पर्संस हैं उनको देख लीजिए। हर फील्ड में हमारे पास डाइवर्सिटी है और ये हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। तो जो लोग भी इस देश की डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, इस देश के मल्टीकल्चरलिज्म में बिलीव करते हैं, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, इस देश के लोग आपस में प्यार से रहें इस भावना में भरोसा रखते हैं, जो लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश से प्यार करते हैं, वो सब लोग इस यात्रा में आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों यह चर्चा बड़ी जोर शोर से चली, दो तरह के जो है न्यूज आने शुरू हुए। एक, जब मोहन भागवत जी का इंटरव्यू आया तो कुछ लोगों ने हेडलाइन इस तरह से बनाया कि राहुल गांधी का जवाब दिया मोहन भागवत जी ने, और कुछ लोगों ने यह चर्चा शुरू की कि आरएसएस तो स्वागत कर रही है यात्रा का, तो फिर आरएसएस के ऊपर जो है क्यों हमला किया जा रहा है। पहली, हम आरएसएस और बीजेपी को अलग अलग नहीं देखते हैं। हमारी समझदारी में आरएसएस जड़ है, बीजेपी उसका फल है। ये भ्रम हमारे मन में नहीं है। भले वो कहते हो कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी विचारधारा राजनीति पर आधारित है। और इस बात को हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि धर्म देश का है, सांप्रदायिकता देश का नहीं है। आरएसएस धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसे दही दूध से बनता है, लेकिन दही दूध नहीं होता है, दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर अलग अलग होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी का खून बहाना, किसी को मारना, किसी के ऊपर हमला करना, नफरत फैलाना, इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं करता है। धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करके अगर राजनीति की जाती है, जब राजसत्ता और धर्म को मिलाया जाता है, तो वो धर्म नहीं है, वो राजनीति है। इसीलिए हमारी नजर में आरएसएस सांस्कृतिक संगठन नहीं है, सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जैसे स्वयं उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, तो सनातन धर्म का डेट जो है वो 1925 से तो नहीं शुरू होता है, वो तो हजारों साल पुराना है। मतलब आरएसएस के बनने से पहले भी धर्म था और आरएसएस के बाद भी धर्म रहेगा। इसका मतलब आरएसएस का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस वो धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं कि उस
धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का जो राजनीतिक विचार है उसको प्रभावित किया जा सके। जैसे अगर किसी खास पहचान के आधार पर राजनीति होगी तो उस पहचान को रखने वाले जो लोग हैं उनका वोट लेना आसान हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आजकल के जो जितने नारे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें क्या बोला जाता है और उसमें अक्सर क्या की जाती है। देश का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, उसको भटका दिया जाता है। और ये अंग्रेजों की चाल है, यह भी हमको समझना पड़ेगा। बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमको इस बात का गर्व है कि हम इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किए, देश को आज़ादी मिली, कदम दर कदम बढ़ा करके लड़खड़ाते हुए संभलते हुए देश हमारा आज इस मुकाम पे आकर के खड़ा हुआ है, जहां उस संविधान के दम पर देश का एक व्यक्ति जो कहते थे कि हम चाय बेचते थे वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए हैं। तो सबसे सर्वोच्च जो है वो संविधान है, और इस संविधान की रक्षा करना हमारी पार्टी का कर्तव्य है। और ये प्रश्न जो है हम पूछना चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी से कि आप बताइए कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर आप संविधान को मानते हैं तो फिर आप नहीं तय कर सकते हैं कि इस देश में रहने वाले 135 करोड़ लोग किस तरह से अपना जीवन जिएंगे, कौन कैसे पूजा करेगा, कौन कैसे अपने धर्म का पालन करेगा, कौन कैसे अपना जीवन यापन करेगा, इसको देश का संविधान तय करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करेगा। और आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो ऑलरेडी उन्होंने संविधान को बदलने की इच्छा जाहिर की, रिव्यू कमेटी बनाया था संविधान को बदलने के लिए। हाल के दिनों में भी आपने देखा है कि संविधान के ऊपर लगातार हमले हुए हैं, और अब यह बात सामने आई है कि सॉवरेन क्या है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेन है, वो सर्वोपरि है, उसी के आधार पे चीजें होंगी। अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है उसकी बात भी उस संविधान के अंदर ही लिखी हुई है। इसीलिए हमारी ये समझदारी है, पहला कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग नहीं है। दूसरा, धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म आरएसएस के बनने से पहले भी था, आरएसएस के बाद भी रहेगा। तीसरा, धर्म और सांप्रदायिकता में फर्क होता है। धर्म का इस्तेमाल सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जरूर की जाती है, लेकिन सांप्रदायिकता धर्म नहीं है। और चौथा, इस देश में संविधान सर्वोच्च है, कौन कैसे जिएगा, इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश के नागरिक जो इस देश के भीतर रहते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या है और उनके अधिकारों की भी व्याख्या है। तो इस संविधान के अनुसार जो नागरिक अधिकार हैं उसको बचाना, संविधान को बचाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकता है। भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि बार बार जयराम जी भी बोलते हैं कि हर बिंदु को लेकर के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर बिंदु को लेकर के चल रही है। इसके अंदर यह बात निहित है कि हम यह सारे जो काम कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में कर रहे हैं, और हमारी विचारधारा इस देश का संविधान है, और इस देश की संविधान के प्रस्तावना में जो बात लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि नागरिक सबसे प्रमुख होते हैं और नागरिक अधिकारों को रक्षा करना हमारा सबसे प्रमुख जो है दायित्व है, जिम्मेवारी है। उस पर अगर कोई भी अटैक या हमला होता है तो हम इस बात को लेकर के कोई कन्फ्यूजन में नहीं है कि बीजेपी अलग है आरएसएस अलग है। अगर बीजेपी और आरएसएस अलग अलग है तो आप मुझे बताएं कि इस बात को प्रचारित क्यों किया जाता था जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे कि इन्होंने 42 साल आरएसएस की सेवा की है, ये जो है स्वयं सेवक रहे हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसा कोई भ्रम नहीं है, हम दोनों अटैक को एक ही अटैक मानते हैं। और यह जो बचाव किया जाना शुरू हुआ है कि नहीं नहीं आरएसएस तो हमला नहीं कर रही है, तो उस पर हम यही कहना चाहते हैं, आरएसएस अगर हमला नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है वो आपस में विरोधी है,
विपरीतार्थक है, वो एक ध्रुव पे खड़े हैं, हम दूसरे ध्रुव पे खड़े हैं। उनमें से आरएसएस के ही कुछ लोगों ने अगर यात्रा की स्वागत किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देश को लेकर के जो उनकी समझदारी है, लोगों को लेकर के जो उनकी समझदारी है, उस समझदारी में और संविधान के अंदर जो बातें लिखी हुई है देश के लिए, लोगों के लिए, उसमें जो है अंतर्विरोध है और हम संविधान के साथ खड़े हैं, संविधान के पक्ष में खड़े हैं।